नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार सरकार की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री और साथ ही अन्य मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। ब्यौरा सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। क्या कुछ खुलासा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी सहित 29 मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सामने रखा है। ब्यौरा सामने आने के बाद साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 7 गुना ज्यादा अमीर हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तो अपनी कार है, लेकिन तेजस्वी ने अपने ब्यौरे में खुद को बिना कार का, यानी कि उनके पास कार नहीं है, ऐसी जानकारी दी है। आंकड़ों की माने तो नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं राजस्व मंत्री, जिनका नाम आलोक कुमार मेहता है। उनकी संपत्ति 25.32 करोड़ है। साथ ही आपको बताएं कि तेजस्वी की संपत्ति 5.27 करोड़ है, जबकि उनके बड़े भाई और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप की संपत्ति 3.25 करोड़ है। नीतीश कुमार की कुल 75,53,000 की संपत्ति है, जिसमें अचल संपत्ति 58,85,000 है, जबकि तेजस्वी की अचल संपत्ति 3,93,00,000 की है। तेज प्रताप की 1,76,000 है। तेज प्रताप की चल संपत्ति 1.5 करोड़ के आसपास है। मंत्रियों की सार्वजनिक की गई सूची में सबसे धनी राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। मेहता के पास कुल संपत्ति 25.32 करोड़ रुपए हैं, जिसमें अचल संपत्ति 24.32 करोड़ है। इन्होंने पटना में 4 करोड़ का प्लॉट भी लिया है, इसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्यूरो में दिया है। दूसरे नंबर पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, और वो भी सिर्फ 16.19 करोड़ की चल संपत्ति पर। उन्होंने अपनी अचल संपत्ति का फिलहाल जिक्र नहीं किया है। उनके पास 2 गाड़ियां होने की जानकारी उन्होंने दी है। तीसरे नंबर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं, जिनकी कुल संपत्ति 15.54 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 6,71,00,000 है। उन्होंने अपने पास कार और पत्नी बेटे के पास 700 ग्राम सोना होने की जानकारी दी है। अब कुछ और करोड़पति मंत्रियों की सूची आपको दिखाते हैं। खान भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव की कुल संपत्ति 13.91 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 13 करोड़ है। उन्होंने अपने पास 380 ग्राम सोना होने की जानकारी दी है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव की कुल संपत्ति 11.38 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 9,46,00,000 है। इन्होंने कई शहरों में अपने आवासीय जमीन होने की जानकारी दी है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की कुल संपत्ति 8,75,00,000 है, जिसमें अचल संपत्ति 6.44 करोड़ है। इन्होंने होटल में निवेश की जानकारी दी है। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार की कुल संपत्ति 6.25 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1,40,00,000 है। इन्होंने पत्नी के पास गाड़ी और 40,00,000 के गहने बताए। परिवहन मंत्री शीला कुमारी की कुल संपत्ति 6,10,00,000 है, जिसमें अचल संपत्ति 5.70 करोड़ है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की कुल संपत्ति 5.95 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1,82,00,000 है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह की कुल संपत्ति 5.78 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 4.36 करोड़ है। उन्होंने बताया कि गुजरात और नोएडा में इनके प्लॉट हैं। कानून मंत्री शमीम अहमद की कुल संपत्ति 5.31 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 4.20 करोड़ है। इन्होंने खुद पर 1 करोड़ का लोन भी दिखाया है। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय की कुल संपत्ति 4.62 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 3.95 करोड़ है। SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन की संपत्ति 3.79 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 3.33 करोड़ है। इन्होंने अपने पास 3 गाड़ियां दिखाई है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की कुल संपत्ति 3.10 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 2.14 करोड़ है। इन्होंने 3 चार पहिया वाहन होने की जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव की कुल संपत्ति 2.71 करोड़ है, जिसमें अचल 88,00,000 ही है। खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह की कुल संपत्ति 2.40 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1.27 करोड़ है। इन्होंने अपने पास 2 ट्रक होने की जानकारी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की कुल संपत्ति 2.27 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1.25 करोड़ है। इन्होंने अपने पास 3 गाड़ियां बताई है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी की कुल संपत्ति
2.20 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1.40 करोड़ है। लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज की कुल संपत्ति 1.92 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1.13 करोड़ है। इन्होंने अपने पास पुरानी कार और बाइक की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की कुल संपत्ति 1.54 करोड़ है, इसमें अचल संपत्ति 1.05 करोड़ है। इन्होंने अपने पास 2 आलीशान गाड़ियों की जानकारी दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी की कुल संपत्ति 1.24 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 1 करोड़ है। आईटी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूर की कुल संपत्ति 1.15 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 74.78 लाख है। पंचायती राज मंत्री मुरारी कुमार गौतम की कुल संपत्ति 1.09 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 47.50 करोड़ है। इन्होंने 2 बड़ी गाड़ी होने की जानकारी दी है। मत्स्य संसाधन मंत्री मोहम्मद आफाक आलम की कुल संपत्ति 1.08 करोड़ है, जिसमें अचल संपत्ति 61.20 लाख है। इसके अलावा 4 मंत्रियों ने खुद को लखपति भी बताया है। आइए इनकी सूची भी आपको दिखा दें। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां की कुल संपत्ति 74.76 लाख है, जिसमें अचल संपत्ति 23 लाख है। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की कुल संपत्ति 79 लाख है, जिसमें अचल संपत्ति 42 लाख है। आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज ने 56.61 लाख की चल संपत्ति के साथ 17 जमीन का जिक्र किया है। पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव ने सिर्फ चल संपत्ति के रूप में 18,12,000 का जिक्र किया है। अचल के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। खैर, इस विवरण के बाद बड़ा खुलासा हुआ है कि कौन से मंत्री के पास कितनी संपत्ति है, जिसमें कई दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए हैं। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।